सर क्या लगता है कब्जा केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कहाँ तोड़ पाएगी यार, केजीएफ बाप है, वो बच्चा भी नहीं है। लोग कह रहे थे कंपेयर, हालांकि कंपैरिजन अलग है, मतलब दोनों ही की टॉपिक जो है वो अलग। अच्छा, लोग जैसे कॉपी बोल रहे थे क्या, वो बहुत ही अलग है, वो नॉनसेंस की बातें हैं, वो कहीं भी एक दूसरे से अलग नहीं, वो डिफरेंट कहानी है कब्जा। लेकिन है कि कब्जा मतलब नॉनसेंस की कहानी, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मेरे को, थोड़ा सा रिलेट हुई शुरू में हुई, अब बहुत बोर करती है यार कहानी। और बीच में तो जब वो विलन को मारता है, जो एक संजय दत्त के लुक पे टाइप दिखता है, मतलब मेरे को नाम पता नहीं है कौन सा, तो जब तक वो खालिद को नहीं मारा था, जब खालिद को मारता है वहाँ तक थोड़ा सा अच्छा लगा था, उसके बाद वो विलन को ऐसे से मारता है, मतलब मतलब ऐसा फास्ट कहानी दिखाता है, और हर एक सीन में क्लोज डोर, डार्क सीन, मतलब क्या ही कहते हैं। म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक भी ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो मेरे को कुछ ज़्यादा पिक्चर खास नहीं लगी है। और जो केजीएफ के रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो वो केजीएफ बाप है, उसका रिकॉर्ड उसके इर्द गिर्द भी आ जाए तो बहुत बड़ी, 200 करोड़ कमा ले, 150 करोड़ कमा ले, इतने बहुत बड़ी बात है। पिक्चर कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, हाँ ये है कि ठीक ठाक। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, तो क्या लगता है उसके नेक्स्ट पार्ट आया? अच्छा, कुछ पार्ट आया, बस ये है। अब देखिए, मैं पर्सनली थिंकिंग की बात करूँ तो मेरे को PS1 भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ PS1 ने भी अच्छे खासे पैसे कमाए थे, तो इस पे अब भाई देखो क्या होता है। क्या दो सेकंड पार्ट आने, तो मैं तो बोर हो चुका था यार पिक्चर से, लास्ट में बहुत ज़्यादा बोर हुआ था कसम से। अब भैया, अरे मेरे को नहीं लग रहा भैया जाने वाले, बोरिंग मतलब हिट होगी कि नहीं, क्या लगता है? अरे मेरे को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से भेंट नहीं होगी। और जो KGF की बात है, तो KGF की इर्द गिर्द भी नहीं है ना, KGF की कहानी सिमिलर है, बस थोड़ा सा। कितने स्टार देने चाहेंगे? मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 1.5 स्टार। आप? मैं 1 स्टार भैया।